हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोलर कोस्टर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ दैट आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय ऑन August 19, 2021। थैंक यू सो मच इन एडवांस आप लोगों की तब की विशेज के लिए। सेकेंडली आई एम हेयर टू शूट अ वीडियो ऑन माई एक्सपीरियंस, माई हॉस्पिटल एक्सपीरियंस एंड डॉक्टर एक्सपीरियंस हेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज देर आर मेनी न्यू मॉम्स आउट देयर जिनको हेल्प की रिक्वायरमेंट है एंड हु नीड द इन्फॉर्मेशन। सो या आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं इस वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, कोविड टेस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड मिसलेनियस। तो ये चारों पार्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज़ वॉच द वीडियो थ्रू आउट, और जिनको हेल्पफुल नहीं रहेंगे उनको यहाँ के एक्सपीरियंस का मेरे बारे में पता चलेगा कि कैसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज गोइंग टू डॉक्टर गोथरा, डॉक्टर नवजोत गोथरा इन न्यू जर्सी। शी वॉज अ बिग सपोर्ट, लाइक शी मोटिवेट, शी वॉज अ great motivator throughout my pregnancy. She and her staff was amazing. So Dr. Gotra, if you're watching, thank you so much ma'am, you are amazing, thank you. तो चलो लेट्स रोल हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। बट रोल करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। प्लस ये वाला वीडियो ना मैं अपने वेकेशन वाला जो वेगस का ब्लॉग है उसके बीच में डालने वाली हूँ। उसके बाद दो वीडियोज़ और आने वाले हैं, तो वेकेशन वाले व्लॉग को थोड़ा ब्रेक लगेगा और फिर बाद में मैं वेगस का कंटिन्यू करूँगी। तो लेट्स रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हॉस्पिटल ट्यूब्स का। तो जनरली यहाँ हॉस्पिटल डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल ट्यूब्स प्रोवाइड करते हैं, बट जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी हॉस्पिटल ट्यूब ड्यू टू द कोविड सिनेरियो। उसके अलावा कुछ एक हॉस्पिटल शायद मैंने सुना है वर्चुअल ट्यूब प्रोवाइड कर रहे हैं, बट जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी हॉस्पिटल ट्यूब। सो या सेकेंड क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली डिलीवरी से पहले मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आई जस्ट आस्क माई डॉक्टर इन केस आई वेंट इन टू लेबर तो मुझे क्या करना है, कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है क्या हॉस्पिटल में। शी सेड देयर इज़ नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यू जस्ट गो टू द हॉस्पिटल एंड से आई एम डॉक्टर गोत्रास पेशेंट एंड दे रजिस्टर यू इंस्टेंटली। और आपके जो पार्टनर का होता है वहाँ विजिटर्स पास बनता है जो डेली का डेली बनता है, सो आपको कोई ले जाएगा वहाँ से स्टाफ और पार्टनर को विजिटर पास के बिना नहीं अलाउ करेंगे। बट दैट्स अ इजी प्रोसेस, दैट्स नॉट सो टीडियस। डोंट फॉरगेट टू टेक योर इंश्योरेंस कार्ड एंड आईडी कार्ड, पार्टनर का भी। आई एम सॉरी बट थर्ड पॉइंट बोल जाती हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि व्हाट टू पैक फॉर द हॉस्पिटल। सो बेसिकली बेबी क्लॉथ्स, योर गाउन्स, ये सब ना आपको हॉस्पिटल से प्रोवाइड करेंगे। बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू वेयर द हॉस्पिटल क्लॉथ्स, आप खुद के लिए जा सकते हो, बेबी के लिए भी, खुद के लिए भी। अदरवाइज मैश अंडरवेयर, सैनिटरी पैड्स, टक्स, पेरी बॉटल्स सब आपको हॉस्पिटल से प्रोवाइड करेंगे एंड कैरी सम स्नैक्स विद यू अगर आपको चाहिए तो। बट ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं। या अब चलते हैं हम पोस्ट डिलीवरी पे। सो पोस्ट डिलीवरी में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि विजिटर्स अलाउ हैं या नहीं। सो मेरे केस में सच बताऊँ तो मेरे फैमिली से कोई भी नहीं आ पाया था यहाँ पे, तो इट वॉज जस्ट माई हस्बैंड। तो आई एम नॉट सो श्योर कि विजिटर्स अलाउ हैं या नहीं, तो ये आपको जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर या जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ पे कॉल करके पूछना पड़ेगा। सेकेंडली क्वेश्चन आता है कि फूड कैसा रहता है। तो या दे प्रोवाइड फूड आपको प्रोवाइड करते हैं, बट इट्स लाइक थोड़ा राइस, बर्गर, सैंडविचेस, फ्रूट्स, जूसेस, इस टाइप का है। तो इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट फूड तो यू आर फाइन, यू आर गुड, मतलब ठीक ठाक रहता है। एज एन इंडियन बोल रही हूँ तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको कहीं से डिलीवर कराना है तो आप डिलीवर करा सकते हो, अगर आपको घर कराना है तो आप घर का ला सकते हो। थर्ड क्वेश्चन रहता है स्टाफ कैसा है। सो इन माई केस माई फर्स्ट डे स्टाफ वॉज नॉट रियली गुड, आई एम सो सॉरी दैट आई हैव टू से दिस, बट मैंने कई बार कॉल किया, 20 मिनट्स तक कोई नहीं आया एंड इट वॉज लाइक मेरे को पोस्ट डिलीवरी उठाया नहीं था। I was not able to walk for some time. My husband was not around and I asked them to help and they were like, why are you not able to walk? You should be able to walk. But yeah, first day experience was horrible tha, but my second day staff was really amazing. All my nurses, daytime nurse and nighttime nurse, sari bahut achhi thi. They were superb. So it just depends. If you're lucky, you get a good staff. देन थर्ड रहता है मेडिसिन का। यहाँ पे क्या रहता है हमारे इंडिया में रहता है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है दैट यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन इन द मॉर्निंग एंड दिस इन द नाइट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इफ़ यू आर हैविंग सम पेन तो यू हैव टू से आई एम हैविंग पेन एंड आई वॉन्ट अ पेन किलर,
बट यहाँ पे कोई आपको कंपल्सरीली नहीं बोलेगा कि या यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, सो या प्रिस्क्राइब नहीं है वैसा, दैट आई फेल्ट. सो दिस वॉज अबाउट मेडिसिन. चौथा रहता है कि स्नैक्स वगैरह का क्या रहता है. सो या देर इज लाइक काइंड ऑफ कॉफी मशीन पार्टनर्स वगैरह के लिए, बाहर कॉफी मशीन वगैरह लगी है, इफ दे वॉन्ट कॉफी और वॉन्ट टू ग्रैब सम स्नैक्स. स्नैक्स आई डाउट रहता है, बट कॉफी तो रहता है फॉर श्योर, आई बी टोल्ड मी. तो अभी चलते हैं थर्ड लिस्ट पे, कोविड टेस्ट रिक्वायरमेंट. कोविड टेस्ट रिक्वायरमेंट बेसिकली आपका पार्टनर का कोई कोविड टेस्ट नहीं होता. आपका, मेरा कोविड टेस्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन मैटरनिटी वार्ड. जब मैं रजिस्ट्रेशन करा के ऊपर मैटरनिटी वार्ड में गई थी, माई बेबी दवे, तब उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट किया था. तो प्री डिलीवरी कोविड टेस्ट रहता है, बट पार्टनर का कोई कोविड टेस्ट नहीं रहता. दे कैन फ्रीली गो इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन करंट सिनेरियो. बाद का मुझे नहीं पता, बट अभी के सिनेरियो में वो इजीली अंदर बाहर कर सकते हैं. एंड लास्टली मिसलेनियस. तो बेसिकली मिसलेनियस मैं आपको खाली पार्किंग के लिए टिप देना चाहूँगी. जर्सी सिटी मेडिकल सेंटर में पार्किंग इज़ लाइक $7 फॉर अप टू 7 आवर्स, और 7 आवर के बाद इट्स लाइक $20 फॉर 24 आवर्स. और एक बार आपने कार निकाल ली तो आपके वापस से चार्जेस लगते हैं. एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल अराउंड द हॉस्पिटल, बट आपको उसके लिए पहले एरिया एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो इफ़ यू हैव टाइम, गो एंड डू दैट. एंड बिकॉज पार्टनर्स को कई बार अंदर बाहर होना पड़ता है, लाइक मेरे केस में तो अर्पित दिन में 2 से 3 बार अंदर बाहर हो रहे थे. सो इट्स ऑल अप टू यू. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. एंड उसके अलावा इफ़ यू वॉन्ट अ वीडियो ऑन हाउ आई एम मैनेजिंग विदाउट हेल्प ऑफ एनी फैमिली मेम्बर, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड मे बी आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो या प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड डू कॉमेंट मी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या इफ़ इन एनी केस इफ़ यू वॉन्ट एनी हेल्प या कुछ आपको पता करना है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. थैंक यू, बाय.